नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्तावाल। इस शो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की। गांव-गांव में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली इन महिलाओं की संख्या 1 लाख के करीब है। इनके कामकाज पर बात होगी और इनकी समस्याओं और जरूरतों पर भी बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इसी महीने 10 तारीख से यानी 10 दिसंबर से राजधानी रायपुर में क्यों धरना दे रही हैं और इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं की इस मुहिम से सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में संगठन से भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का शो। छत्तीसगढ़ के किसी भी छोटे बड़े गांव में चले जाइए, वहां आंगनबाड़ी केंद्र जरूर मिलेगा, जहां 3 साल से 6 साल की उम्र वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल करती महिलाएं भी मिल जाएंगी। हर एक बच्चे को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने का हक होता है। हर माँ बाप उसे यह हक मुहैया कराने की पूरी कोशिश करता है और इस कोशिश में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी भागीदार नजर आती हैं, क्योंकि कोई बच्चा जितना वक्त घर पर गुजारता है उसका एक हिस्सा वह आंगनबाड़ी केंद्र में भी गुजारता है। इन बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जिंदगी मुहैया कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिका भी अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को खुद अपना हक नहीं मिल पा रहा है। महिला सशक्तिकरण जैसे भारी भरकम शब्द से भी उनका नाता है, लेकिन महिलाएं खुद कितनी सशक्त हैं यह सवाल भी जवाब की तलाश कर रहा है। सरकार ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उनमें बच्चों को खेलकूद के जरिए शिक्षा देने के साथ ही पोषण आहार के रूप में रेडी टू ईट का वितरण भी उन्हें करना होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका गांव की गर्भवती शिशुवती महिलाओं की भी देखभाल करती हैं। बच्चों और महिलाओं से लगातार राफ्ता कायम कर उन्हें जरूरत पड़ने पर अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। इतना ही नहीं, कई दूसरे विभागों से तालमेल कायम कर उन्हें महिला सशक्तिकरण के कामों में भी लगाया जाता है। हाल के दिनों में कोविड टीकाकरण के दौरान भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोजाना सुबह से शाम तक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ वक्त गुजारने के बाद उम्मीद की जाती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रोजाना 3 घरों में जरूर जाएं और वहां महिलाओं बच्चों के बारे में जानें, समझें, बूझें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करें। इस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं पर काम का बोझ बड़ा बोझ नजर आता है, लेकिन उनके हिस्से में आने वाला मेहनताना इस बोझ के मुकाबले बहुत ही कम है। सरकार के महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाकर कोई भी देख सकता है कि इस विभाग ने कई योजनाओं के साथ ही महिला जागृति, स्वावलंबन और सक्षम जैसे बड़े बड़े नामों के साथ योजनाएं चला रखी हैं। एक योजना नवा बिहान के नाम से भी है, लेकिन इसी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जिंदगी में फिलहाल नवा बिहान दिखाई नहीं देता है। न वे स्वावलंबन की स्थिति में हैं और न ही वे सक्षम नजर आती हैं, लेकिन अपने हक के लिए जूझ रही इन महिलाओं ने आंदोलन के साथ ही जो मुहिम शुरू की है उसमें उन्हें उम्मीद दिखती है कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी में भी नवा बिहान आ सकता है। 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुए इस कार्यक्रम का धीरे धीरे विस्तार हुआ और महिलाओं बच्चों की बेहतरी के लिए कार्यकर्ता और सहायिका के तौर पर महिलाओं को इस काम में जोड़ा गया। इसके बाद काफी वक्त गुजर चुका है और छत्तीसगढ़ की नदियों में काफी पानी बह चुका है, लेकिन यह विडंबना ही है कि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अभी भी इस रूप में ही काम कर रही हैं जिन्होंने 1997 में यह काम शुरू किया था। हालत यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को
हर महीने 6,500 रुपये और सहायिकाओं को उससे आधे यानी 3,250 रुपये मानदेय मिलता है। इस आंकड़े को गुणा भाग कर उनके रोज का मेहनताना निकाला जा सकता है और यह भी हिसाब लगाया जा सकता है कि सरकार की योजनाओं को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने वाली इन महिलाओं को सरकार आखिर क्या दे रही है। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 46,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र और 6,500 से अधिक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहां काम करने वाली कार्यकर्ता और सहायिकाओं की गिनती 1,00,000 के करीब है। इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का संगठन पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद इन महिलाओं का आंदोलन मीडिया में भी सुर्खियां नहीं बना पाता, लेकिन उनका दर्द समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने इस साल 22 सितंबर को अपने विभाग के संचालक को ज्ञापन सौंपकर उनके सामने अपनी मांगे रखी थी। उन्होंने इस दिन पौधे लगाकर अपनी रचनात्मकता का परिचय भी दिया था। इसके बाद 2 अक्टूबर से जनता के नुमाइंदों से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन शासन तक पहुंचाने की कोशिश की, रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 नवंबर को जिला मुख्यालय में धरना रैली का आयोजन किया, फिर भी किसी ने नहीं सुना। तो नवंबर महीने में ही सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर संभाग में धरना रैली भी कर ली। इतने पर भी किसी ने नहीं ध्यान दिया तो अब 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक राजधानी रायपुर में रात दिन का धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आंदोलन का यह ब्यौरा देने का मकसद यही है कि समाज में बच्चों और महिलाओं को बेहतर जिंदगी का हक दिलाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रही इन महिलाओं ने अपने हक की बात रखने के लिए लगातार लोकतांत्रिक तरीके से कोशिश की है, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं सुनी गई है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगे क्या हैं। इस बारे में बताया गया है कि शिक्षा कर्मियों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तरह कम से कम 10,000 रुपये जीने लायक वेतन दिया जाए। सुपरवाइजर के खाली पदों को 100% वरिष्ठता क्रम में कार्यकर्ताओं से ही भरा जाए। मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी का भी लाभ उन्हें दिया जाए। जिस मोबाइल पर सरकारी विभाग उनसे काम लेता है उस मोबाइल का नेट चार्ज और मोबाइल भत्ता भी उन्हें मिलना चाहिए। इस तरह की मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। सरकार इनकी मांगों की ओर कब तक ध्यान देगी और उनके लिए कुछ करेगी, इस बारे में कुछ भी कह पाना कठिन है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की लगातार चल रही मुहिम को देखकर कोई भी जान सकता है कि इन महिलाओं के अंदर सरकार के रवैये को लेकर भयंकर असंतोष है। जाहिर सी बात है कि गांव देहात में घर घर के बच्चों महिलाओं से इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सीधा संपर्क है और उनके असंतोष का असर कई परिवारों तक भी पहुंच सकता है और वक्त आने पर सियासत पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस बारे में इन महिलाओं का यह भी कहना है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने उनसे जो वादा किया था उसे भी पूरा नहीं किया गया। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करते समय उनके संगठन से भी कांग्रेस के लोगों ने मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में महिला और बाल कल्याण विभाग को लेकर यह वादा भी किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन किया जाएगा और कलेक्टर दर प्रदान किया जाएगा। अब घोषणा पत्र का यही हिस्सा उन महिलाओं के बीच सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। साथ ही सरकार की ओर से जारी एक पोस्टर भी इन महिलाओं के बीच चर्चा में है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि जो कहा सो किया, 35 महीने में जन घोषणा पत्र के 36 में से 25 वादों को पूरा किया।
इस पोस्टर में 21वें नंबर पर आंगनबाड़ी मध्यान्ह भोजन रसोईया के वेतन में वृद्धि का वादा पूरा करने की बात कही गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठन का कहना है कि कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ वेतन न तो अब तक मिला है और न ही यह भी साफ हो सका है कि हर महीने कितना मानदेय बढ़ाया गया। उनका यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 से अपनी ओर से दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपये से 6,000 रुपये कर दिया, लेकिन प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। नर्सरी शिक्षक का दर्जा देने की बात का वादा भी अब तक पूरा नहीं हो सका है, लेकिन पोस्टर जारी कर वाहवाही लूटने की कोशिश जरूर हो रही है। गांव-गांव में घर घर से जुड़ी इन महिलाओं के अंदर इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन को हल्के में ले रही है। आने वाले वक्त में यह सरकार पर भारी भी पड़ सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर हमने कई लोगों से बात की तो उनका यह भी कहना था कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई सड़क दोबारा खोदकर फिर बनाई जाती है, जिसे देखकर लगता है कि क्या सरकार के पास होशियार इंजीनियर भी नहीं है या सरकार के खजाने में पैसा बहुत है। जो इस तरह सरकारी खजाने से बार बार एक ही सड़क को खोद खोद कर फिर बनाया जाता है, लेकिन महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाने वाली महिलाओं का जायज हक उन्हें सौंपने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, यह अजीब सी उलटबांसी दिखाई देती है। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं, उनकी मांगों और आंदोलन को लेकर हमने छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की सुचिता शर्मा से बात की तो उन्होंने हमसे क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आप लोगों को आंदोलन की जरूरत फिर क्यों पड़ रही है? हमारी बातें जो है सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार जो है उचित कदम हमारे लिए नहीं उठा रही है, इसलिए हम आंदोलन के लिए आगे बढ़े हैं। तो आंदोलन जो आपका हो रहा है, इसमें प्रमुख रूप से आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे जो है अनवरत चली आ रही है, इसमें प्रमुख मांग है, पहला शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और मध्य प्रदेश के बराबर मानदेय दिया जाए, साथ में पेंशन ग्रेच्युटी दी जाए, और उसके अलावा है हमारा सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो खुली भर्ती अभी जो ली जा रही है वो बंद करके वरिष्ठता क्रम के आधार पर हमारी भर्ती की जाए, और सहायिका के लिए 25% का जो बंधन किया गया है सरकार द्वारा वो बंधन समाप्त किया जाए। अभी जो है मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए और उसके अलावा मोबाइल में काम करने के लिए हमको दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हमको मोबाइल दिया जाए, डाटा दिया जाए, साथ में प्रशिक्षण दिया जाए, और मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी घोषित किया जाए, साथ में COVID-19 के समय कुछ कार्यकर्ता और सहायिका बहनों की मृत्यु हुई थी उसके लिए हम अनुकंपा नियुक्ति चाह रहे हैं, यही हमारी प्रमुख मांग है। हाँ सुचिता जी, जो अभी प्रदेश में सरकार है, सरकार बनने से पहले इन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, मतलब अपना चुनावी घोषणा पत्र दिया था, उसमें भी आप लोगों के लिए किसी तरह की कोई वादा किया था कि आप लोगों के हित में इस तरह के काम किए जाएंगे, ये अगर आप बताना चाहें तो। जी, उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि उनकी सरकार आते ही हमें नर्सरी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा, मानदेय में वृद्धि की जाएगी, और ये दोनों ही चीजें उन्होंने अभी तक के नहीं पूरा की है,
इसलिए हमें अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी इस मांग को भी हमारा पूरा करें। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप लोगों ने अब तक किस तरह का आंदोलन किया है, और ये 10 दिसंबर से जो आंदोलन जो होने जा रहा है इसके बारे में भी बताइए। हमारा ये कार्यक्रम जो है चरणबद्ध रूप से शुरू हुआ है। हम ये सोचते थे कि हम ये चरणबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार तक हमारी बातें जाएंगी, वो सुनेंगे और कुछ पहल करेंगे, लेकिन उनके द्वारा पहल नहीं की गई। 22 सितंबर से हमने ये कार्यक्रम जो है चरणबद्ध रूप से शुरू किया। कुछ सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम हमने शुरुआती दौर पे किए हैं, जैसे कि 22 सितंबर स्थापना दिवस के, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की स्थापना दिवस के अवसर पर हमने वृक्षारोपण किया था, और परियोजना कार्यालय में सभी जाकर के संचालक के नाम पर पत्र दिया था कि हमारा ये कार्यक्रम जो है चरणबद्ध रूप से होगा, और यदि उचित कदम सरकार उठा लेती है तो हम ये कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हैं। 22 सितंबर को हमने वृक्षारोपण किया, उसके बाद 26 सितंबर को हमने COVID-19 का टीका वैक्सीनेशन जो है अपने स्तर पर करवाया, स्वयं से अपने संगठन के बैनर तले, जिसमें लगभग लगभग 500 लोगों को टीका हमारे बिलासपुर जिला में ही लगवाया गया है स्वयं के द्वारा। उसके बाद फिर 2 अक्टूबर को भी कार्यक्रम किया गया, फिर उसके बाद फिर 23 अक्टूबर को कार्यक्रम किया गया ब्लॉक स्तर पर। 2 अक्टूबर का कार्यक्रम जो था वो ब्लॉक परियोजना स्तरीय था, और 23 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था वो ब्लॉक स्तरीय था। ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद हमने अभी 1 नवंबर को कार्यक्रम किया, जिला स्तरीय कार्यक्रम किया धरना प्रदर्शन का, और उसके बाद फिर 13 नवंबर को बिलासपुर संभाग में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। तो ऐसे ये बिलासपुर के बाद आपका अंबिकापुर सरगुजा संभाग में हुआ, फिर बस्तर संभाग में हुआ, उसके बाद दुर्ग संभाग में हुआ, फिर 30 नवंबर को ये हमारा रायपुर का संभाग का कार्यक्रम जो है सफल हुआ है। और उसके पश्चात अभी तक के सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है, इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा कि ये हमारा आगे का जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का 7 दिन का रात दिन का निश्चितकालीन हड़ताल है, इसको हम करेंगे, और यदि सरकार फिर भी नहीं सुनती है तब हम दिल्ली कूच करेंगे। जी ठीक, दिल्ली भी जाकर आप लोग अपनी बात रखने की तैयारी कर रहे हैं? जी। स्मृति ईरानी है हमारी मंत्री जी, उनके पास हमारा मतलब जाने का पूरा तैयार हो गया है। यदि हमारा 7 दिन का हड़ताल जो होता है और उसमें सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती तब। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपने हक की लड़ाई में पूरी तैयारी के साथ दिन रात धरना देकर सरकार को अपना वादा याद दिलाने सड़क पर उतर रही हैं। इस बार उनके इस कदम के बाद सरकार सुनेगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन महिलाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन उनका असंतोष आने वाले समय में भी असरदार हो सकता है। इस बार हफ्तावाल में इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे CGWAL टीम का हौसला बरकरार रहे। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हमारा वेब पोर्टल CGWAL.com। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।